हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गर्मांतर शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, स्टडीज बहुत अच्छी चल रही हैं एंड जो भी चीजें हम डेली डिस्कस करते हैं वो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं डेली बेसिस पे। तो चलिए आज एक नया फाइलम स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट प्लैटीहेलमिंथस। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। सो बेसिकली अगर फाइलम प्लैटीहेलमिंथस की बात की जाए तो इस फाइलम के अंदर आप फ्लैट वर्म्स की स्टडी करते हो। किसकी स्टडी करते हो? फ्लैट वर्म्स की। सो बेसिकली प्लैटीहेलमिंथस आर नोन एज फ्लैट वर्म्स एंड दे आर मोस्टली प्रिमिटिव बायोलिटरल एनिमल्स हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड जो स्टडी होती है इन वर्म्स की या फिर प्लैटीहेलमिंथस की, इसे आप बोलते हो हेलमिंथोलॉजी। जितनी भी स्टडीज आपको बताई जाती हैं कि किसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात की जाए अगर इस फाइलम के मेंबर्स की, तो ज्यादातर एंडो पैरासाइट्स हैं। एंडो मतलब जो कि इनसाइड दी होस्ट रहते हैं, वर्टिब्रेट्स के बॉडी के अंदर रहते हैं एंड अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन टाइप। सबसे पहले यहां पे आपकी ऑर्गन टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, ओके। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहां पे आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब क्या है? ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। कौन कौन सी लेयर्स हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म मिडल वाली लेयर एंड एंडोडर्म, तीनों ही टाइप की आपके पास यहां पे लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ओके। अब बॉडी की अगर बात की जाए सिमेट्री के बेसिस पे, तो यहां पे आपकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, जो ऑर्गन्स मूव करने के लिए काम में आते हैं ऑर्गेनिज्म के, एनिमल्स के, वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। लेकिन एडहेसिव ऑर्गन्स लाइक सकर, हुक्स आर प्रेजेंट इन दी पैरासिटिक फॉर्म। एडहेसिव ऑर्गन्स मतलब क्या होते हैं? एडहेसिव ऑर्गन्स मतलब जो बॉडी के साथ चिपकने के लिए उनके लिए हेल्प करते हैं, अपने आप को अटैच करने के लिए हेल्प करते हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स को बोला जाता है एडहेसिव ऑर्गन। और उनके एग्जाम्पल क्या है? सकर्स हो गए, हुक्स हो गए एक्सेट्रा। अब अगर बॉडी वॉल के बेसिस पे बात की जाए पैरासिटिक एनिमल्स की एंड प्लैटीहेलमिंथस की या फिर एंडो पैरासाइट्स की, तो इनकी बॉडी वॉल के ऊपर एक थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है जिसे आप बोलते हो टेग्यूमेंट। क्या बोलते हो उस थिक लेयर को? दैट इज नोन एज टेग्यूमेंट, ठीक है। तो अब अगर बात की जाए इस थिक लेयर के प्रेजेंट होने का कारण क्या है, ये थिक लेयर हमारी इनकी क्या हेल्प करता है, तो ये जो थिक क्यूटिकल होती है ये प्रोटेक्ट करती है पैरासाइट को डाइजेस्टिव एंजाइम से जो कि होस्ट की बॉडी से रिलीज हो रहे हैं। होस्ट मतलब, होस्ट का मतलब हो गया ह्यूमन। मान लो ये एंडो पैरासाइट्स किसी ह्यूमन की बॉडी के अंदर हैं, तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जो कि इन पैरासाइट्स को डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे, इन्हें मारने की कोशिश करेंगे। तो इनकी एंडो पैरासाइट्स की बॉडी के ऊपर, वॉल के ऊपर एक थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है जिसे आप बोलते हो टेग्यूमेंट, जो कि टेग्यूमेंट होस्ट की, इंसान की बॉडी से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है पैरासाइट्स को, ओके। तो ये फंक्शन हो गया टेग्यूमेंट का। नाउ डाइजेस्टिव ट्रैक की अगर बात की जाए तो डाइजेस्टिव ट्रैक यहाँ पे इनकम्प्लीट होता है। कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है मतलब यहाँ पे एनस नहीं पाया जाता। लेकिन प्लैटीहेलमिंथस के अंदर एक ऐसा केस है, एक ऐसा एक्सेप्शन है, या बोल सकते हो एग्जाम्पल है, दैट इज टेप वर्म, जहां पे डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीटली एब्सेंट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको याद रखना है। यहाँ पे कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं ये प्लैटीहेलमिंथस। स्केलेटन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात की जाए तो दीज आर एब्सेंट।
एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है यहाँ पे किडनी नहीं होता लेकिन प्रोटोनेफ्रीडिया होता है. ओके, यहां से काफी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लैटिहेलमिंथीज आर, तो आपको याद रखना है प्रोटोनेफ्रीडिया होता है. एंड जो फ्लेम सेल्स होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, उन्हें आप सोलेनोसाइट्स बोलते हो. ठीक है, एंड ये जो है सोलेनोसाइट्स दे ऑल्सो हेल्प इन दी ओस्मोरेगुलेशन. ठीक है, ओस्मोटिक बैलेंस बनाते हैं ये, तो ये ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं. नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पे नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जिनका शेप लेडर लाइक होता है. कैसा शेप होता है? लेडर लाइक. तो ये शेप आपको याद रखना है. नेक्स्ट अगर बात की जाए प्लैटिहेलमिंथीज की, तो प्लैटिहेलमिंथीज के केस के अंदर हमने प्लैटिहेलमिंथीज को तीन डिफरेंट क्लासेस के अंदर बांटा है. तीन डिफरेंट क्लासेस कौन कौन सी हैं? नंबर वन इज टर्बिलेरिया, नंबर वन क्लास इज टर्बिलेरिया. सेकेंड अगर बात की जाए तो ट्रेमेटोडा, कौन सी क्लास है? ट्रेमेटोडा. थर्ड अगर बात की जाए तो थर्ड इज सिस्टोडा. थर्ड क्लास कौन सी है? थर्ड इज सिस्टोडा. तो देखो टर्बिलेरिया के अगर हैबिटेट की बात की जाए तो ये आपके फ्रेश वाटर मरीन या फ्री लिविंग होते हैं. ट्रेमेटोडा बेसिकली एंडोपैरासाइट होते हैं एंड सिस्टोडा भी एंडोपैरासाइट होते हैं एज वेल एज इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. टर्बिलेरिया क्लास को आप जानते हो विद द जनरल नेम एडीवर्म्स, याद रखना है एडीवर्म्स के नाम से जानते हो. ट्रेमेटोडा के अंदर आपके पास फ्लूक्स आते हैं या फिर फ्लूक वर्म्स आते हैं. नेक्स्ट सिस्टोडा की अगर बात की जाए तो सिस्टोडा के अंदर आपके टेप वर्म्स आते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात की जाए तो टर्बिलेरिया और ट्रेमेटोडा के अंदर इनकम्प्लीट होता है, जबकि यहां पे सिस्टोडा के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीटली एब्सेंट होता है. ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए टर्बिलेरिया के अंदर आपके आते हैं प्लेनारिया या फिर डोगेशिया. ट्रेमेटोडा के अंदर आपके लिवर फ्लूक्स आ जाते हैं लाइक फेसिक्यूला शीप लीवर फ्लूक या फिर साइजोस्टोसोमा दैट इज नोन एज ब्लड फ्लूक. आपको इनके जनरल नेम भी पता होने चाहिए, पीवाईक्यू में पूछ लिया गया है एक बारी कि फेसिक्यूला का जनरल नेम क्या है. ठीक है, सिस्टोडा के अंदर आपके पास आ जाते हैं टेप वर्म. टेप वर्म में नंबर वन इज टेनिया सोलेनम दैट इज नोन एज स्पोक टेप वर्म, टेनिया सेजिनेटा दैट इज नोन एज बीफ टेप वर्म एंड एकाइनोकोकस दैट इज नोन एज डॉग टेप वर्म. ठीक है, तो ये डिवीजन की बात हो गई क्लासेस की. नेक्स्ट अगर लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो गाइस हम लोग बेसिकली लाइफ साइकिल के अंदर पूरी लाइफ साइकिल तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स के अंदर उनके जो होस्ट हैं एंड जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो देखेंगे. ठीक है, तो नंबर वन हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट प्लेनेरिया. प्लेनेरिया या फिर डगेशिया की अगर बात की जाए तो ये आपके फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं मतलब रात को मिलते हैं एंड शोज दी कैनाबिलिज्म प्रॉपर्टी, और कैनाबिलिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं. रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन मिलता है एंड प्लेनेरिया ग्रुप के अंदर आपका हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है. कैसा होता है? हाई पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है. नेक्स्ट अगर बात की जाए फेसिक्यूला की, तो देखो फेसिक्यूला इज व्हाट? फेसिक्यूला इज लिवर फ्लूक. नाउ लिवर फ्लूक कहाँ मिलता है? लिवर फ्लूक मिलता है आपका इन द बाइल डक्ट ऑफ शीप, शीप या फिर गोट के बाइल डक्ट के अंदर लिवर फ्लूक मिलता है. नाउ ये कैसे रेस्पायर करता है? रेस्पायर्स एनारोबिकली. एनारोबिकली मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये आपका रेस्पायर करता है. कैसे करता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, इसके लाइफ साइकिल के अंदर दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए आप इसको बोलते हो डायजेनेटिक. डायजेनेटिक क्यों बोलते हो? क्योंकि यहां पे दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, प्राइमरी होस्ट इज व्हाट? प्राइमरी होस्ट होता है आपका शीप एंड गोट. सेकेंडरी होस्ट होता है जहां पे ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, दैट इज गार्डन स्नेल. ओके, अब इन्फेक्टिव अगर स्टेज की बात की जाए प्राइमरी होस्ट यानी शीप के अंदर, तो यहां पे आपका जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है दैट इज मेटासर्केरिया लावा. कौन सी स्टेज होती है? मेटासर्केरिया.
आपको पूरी लाइफ साइकिल नहीं जाननी, आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है सेकेंडरी होस्ट या फिर स्नेल के केस में, तो दैट इज मेरासीडियम। ओके, तो देखो आपको एग्जाम्पल दिखा रखा है, ये टेप वर्म है एंड दिस इज लिवर फ्लूक। ठीक है, इनके ये भी याद रखने हैं आपको कि कौन सा डायग्राम क्या चीज शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिर थर्ड नंबर पे आता है ब्लड फ्लूक। ब्लड फ्लूक इज व्हाट, ये कहां मिलता है? दिस इज फाउंड इन द वेंस ऑफ ह्यूमन ब्लेडर। ह्यूमन के ब्लेडर के अंदर मिलता है एंड इंटेस्टाइन के अंदर ये मिलता है। यूनिसेक्सुअल है, मतलब सेक्स अलग अलग होते हैं। एंड इसके अंदर आप सिंपली कैसे पहचान सकते हो, जो लार्जर मेल होते हैं कैरीज द फीमेल इन द ग्रूव गायनेकोफोरिक कैनाल और द वेंट्रल साइट। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री की बात की जाए तो दो होस्ट चाहिए होते हैं, डायजेनेटिक है। प्राइमरी होस्ट क्या है? प्राइमरी होस्ट मेन है। एंड सेकेंडरी होस्ट क्या है? सेकेंडरी होस्ट इज गार्डन स्नेल। ओके, इन्फेक्टिव स्टेज की अगर बात की जाए तो इन्फेक्टिव स्टेज में सबसे पहले प्राइमरी होस्ट के लिए सर्केरिया लावा होता है, देन सेकेंडरी होस्ट के लिए मेरासीडियम होता है। आपको ये सब नाम याद रखने हैं, जस्ट आपके क्वेश्चंस यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। एंड अगर इसकी कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए तो ये लिवर को डैमेज कर देता है एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी कॉज करता है। ओके, फोर्थ इज टेनियासोलियम। टेनियासोलियम इज वॉट, दिस इज पॉक टेप वर्म। नाम याद रखना है, टेनियासोलियम क्या है? पोक टेप वर्म है, पोक के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर भी डायजेनेटिक है, ये दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमरी होस्ट मेन होता है जबकि सेकेंडरी होस्ट पिग होता है। इन्फेक्टिव स्टेज की अगर बात की जाए प्राइमरी होस्ट के लिए तो दिस इज सिस्टी सर्कस लावा एंड इन्फेक्टिव स्टेज जो है सेकेंडरी होस्ट पिक के लिए दिस इज ऑन्कोस्पेर। क्या है? ऑन्कोस्पेर। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेनियासोलेनम। यहां से आपका पहले क्वेश्चन आ चुका है कि इन्फेक्टिव स्टेज फॉर सेकेंडरी होस्ट पिग इज, तो आपको याद रखना है दिस इज ऑन्कोस्पेर। तो ये ऑन्कोस्पेर तो मस्ट है, आपको याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए फिफ्थ, टेनिया सेजिनेटा, दैट इज बीफ टेप वर्म। इसके आपको प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट याद रखने हैं। प्राइमरी होस्ट इज व्हाट? प्राइमरी होस्ट इज मेन एंड सेकेंडरी होस्ट इज काउ। जबकि सिक्स्थ है हमारे पास एकाइनोकोकस। एकाइनोकोकस को आप डॉग टेप वर्म के नाम से भी जानते हो एंड एकाइनोकोकस के अंदर प्राइमरी होस्ट इज डॉग एंड सेकेंडरी होस्ट इज पिग। ठीक है, तो ये बात हो गई अबाउट एकाइनोकोकस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फाइलम प्लैटीहेलमिंथीज। एक बार जल्दी से हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है आज की क्लास में। तो देखो सबसे पहले आपने जनरल क्लासिफिकेशन देखा, जनरल ओवरव्यू देखा कि प्लैटीहेलमिंथीज के अंदर आपके फ्लैटवर्म्स इंक्लूड होते हैं। स्टडी ऑफ फ्लैटवर्म्स आर नोन एज हेलमेंथोलॉजी। फिर आपने देखा कि एंडोपैरासाइट्स होते हैं, टेप्रोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, एज वेल एज लोकोमोटरी ऑर्गन्स यहाँ पे एबसेंट होते हैं जबकि एधेसिव ऑर्गन्स लाइक सकर्स एंड रनर्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी वॉल पे एक थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज टेग्यूमेंट। एंड टेग्यूमेंट जो होती है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि सिक्रेट होते हैं होस्ट की बॉडी से, उनसे एंडोपैरासाइट्स को प्रोटेक्ट करती है। फिर आपने देखा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ पे इनकम्प्लीट होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है या फिर एक एग्जाम्पल है जहां पे कम्प्लीटली एबसेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज टेप वर्म। एसिलोमेट्स होते हैं, सोलेनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं एंड प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप किडनी प्रेजेंट होती है, दैट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नर्वस सिस्टम आपका लीडर लाइक होता है। फिर आपने इन्हें तीन डिफरेंट क्लासेस में बांट दिया, नंबर वन टर्बुलेरिया, देन ट्रेमाटोडा एंड देन सिस्टोडा। फिर आपने इनके बारे में देखा एंड मोस्टली इम्पॉर्टेंट चीज जो निकल के आई थी वो ये थी कि सिस्टोडा ग्रुप के अंदर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक कम्प्लीटली एबसेंट होता है। फिर आपने लाइफ साइकिल देखी, लाइफ साइकिल में आपने देखा सबसे पहले प्लैनेरिया, देन डोगेशिया, उसके बाद आपने देखा फेसिक्यूला जिसे आप लिवर फ्लूक भी बोलते हो। इसका प्राइमरी होस्ट शीप या गोट होता है, सेकेंडरी होस्ट गार्डन स्नेल होता है। फिर आपने इन्फेक्टिव स्टेजेस देख ली इनके लिए, देन आपने देखा ब्लड फ्लूक। ब्लड फ्लूक के अंदर आपने होस्ट देखे, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, देन आपने इन्फेक्टिव स्टेजेस देख ली यहाँ पे सर्केरिया एंड मेरासीडिया। उसके बाद आपने टेनिया सोलेनम देखा, दैट इज नोन एज पोक टेप वर्म। यहाँ पे आपने होस्ट देख लिए एंड इन्फेक्टिव स्टेज देख ली। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द सेकेंडरी होस्ट दैट इज पिग के केस में क्या थी, तो दैट इज ऑन्कोस्फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। फिर आपने टेनिया सेजिनेटा देखा एंड देन एकाइनोकोकस। इन दोनों ही केस में आपने केवल प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट के बारे में बात की। तो
दिस वॉज ऑल अबाउट फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीज गाइस. आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, या फिर कोई क्वेरी है तो मेल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो. पूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर गिवन है. थैंक यू वेरी मच.